नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर पूर्व में कई आंदोलन उपोषण हो चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इसी मुद्दे को हाल ही में वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत काम करने वाली आम आदमी पार्टी की इकाई ने उठाया है। आम आदमी पार्टी के कुछ पदाधिकारी अपने एक महिला उपाध्यक्ष के साथ में वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय गए और वहां उन्होंने महानगर पालिका आयुक्त को एक पत्र सौंपा। उस पत्र में उन्होंने 12 मांगे रखी। मैंने जैसा अभी कहा कि पूर्व में कई आंदोलन हो चुके हैं, कई बार मांग पत्र महानगर पालिका अंतर्गत प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन आम आदमी का यह मांग पत्र कुछ थोड़ा अलग था। इसमें कुछ ऐसी मांगे हैं जो आज से पहले कभी नहीं रखी गई। उसमें सबसे अहम मांग यह है कि पानी जितना इस्तेमाल किया जाता है उतना ही बिल आए, पानी के मीटर घर घर में बिठाए जाए, सोसाइटी सोसाइटी में मीटर बिठाए जाए। यह मांग आम आदमी पार्टी ने उठाई है, ये मांग किसी और ने आज से पहले नहीं उठाई है। वहीं एक मांग और आम आदमी पार्टी ने यह भी उठाई है कि जिस तरह से गोवा में प्रति व्यक्ति कुछ हजार लीटर पानी फ्री गोवा की सरकार दे रही है, उसी तरह महाराष्ट्र में वसई विरार अंतर्गत भी लोगों को पीने का पानी मुफ्त उपलब्ध करवाना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने कुल 12 मांगे रखी है। इन 12 मांगों पर क्या कुछ कहना है विस्तार से इन्हीं के आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के मुंह से सुनिए आगे वीडियो में। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या कुछ विस्तार में कहा है वो आप सुनिए आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। वसई विरार नाला सफारा नए गांव में पानी की जो समस्या है उसके खिलाफ हम लोग एक लड़ाई शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने ये डाला है कि पब्लिक नया कनेक्शन नहीं दे रहे हो, आप बिल्डिंग बेच चुके हो, प्रॉपर्टी टैक्स वसूल रहे हो, नया कनेक्शन आप दे ही नहीं रहे। नया कनेक्शन फिर आप किसको दे रहे हो, मैं बताता हूँ। नया कनेक्शन आप रेस्टोरेंट वाले को दे रहे हो, होटल वाले को दे रहे हो, या फिर किसी का अपना अच्छा लिंक है नगर सेवक के साथ या जिसके साथ भी, उसको आप दे रहे हो। ऑफिसर के साथ अच्छा लिंक है, उसको ऑलरेडी कनेक्शन दिया तो और एक कनेक्शन दे रहे हो, लेकिन नया कनेक्शन आप नहीं दे रहे हो। आप वसई में नहीं दे रहे हो, नायगांव में नहीं दे रहे हो, विरार में नहीं दे रहे हो, और नाला सुपारा में भी नया कनेक्शन नहीं दे रहे हो। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो हम लोग इसमें नोटिस कर रहे हैं कि आप पानी का जो सप्लाई दे रहे हो, कितना सप्लाई देते हो आपको मालूम है? आपके ऑफिसर देखते हैं, नहीं देखते हैं? आपके ऑफिसर को कॉल कीजिए तो उनकी भाषा ऐसी रहती है जैसे वो डराने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कोई गुंडा बात कर रहा हो। तो ये एक साधारण एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो पानी कितने देर देते हैं आप? एक घंटा दो घंटा देते हैं बड़ी मुश्किल से। पानी का रफ्तार कितना रखता है? एकदम स्लो रखता है। तो हमने एक रिक्वेस्ट डाला है, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, सोचा है, तो हमारे अखिल जैन साहब ने बोला कि पंपिंग स्टेशन रहने चाहिए ताकि पानी एक घंटा भी आए तो पूरी पानी आए। तीसरा, हमने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की और ये पता चला कि पानी का हर साल आप क्या करते हो कि हर सोसाइटी से लाख रुपया, डेढ़ लाख, दो लाख, तीन लाख ले रहे हो, लेकिन आप पानी इतना देते हो क्या? साल का बिल नहीं देते, हर साल आप लेते हो। तो हमने आपसे एक रिक्वेस्ट किया है कि आप पानी का मीटर हमें दे दीजिए, एक एहसान कीजिए हमारे ऊपर, पानी का मीटर लगा दीजिए, जितना हम यूज करेंगे उतना हम आपको पैसा देंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पैसा तो हम पूरा दे रहे हैं आपको, फिर भी हमें टैंकर मंगाना पड़ रहा है और टैंकर वाले हमें भरपूर लूट रहे हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, साल का आप जाके देख सकते हो कितना ज्यादा टैंकर का बिल हमें भरना पड़ रहा है। तो काफी मेहनत का पैसा है, हम तो आप लोग जैसे क्या, जिस तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जैसा कि राजेंद्र गवित साहब ने बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला कि देश की सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका है वो वसई विरार महानगर पालिका है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने। तो हम लोग तो ईमानदारी से कमाने वाले लोग हैं, तो हमें बहुत मुश्किल होती है टैंकर का पैसा देने। तीसरी बात यह है कि संतोष भुवन, बिलाल पारा, धनी बाग, ये सब एरिया में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे गरीब लोगों की झोपड़पट्टी है, तो झोपड़पट्टी में आप गंदा पानी का सप्लाई कर रहे हो, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, महिलाएं बीमार पड़ रही हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। आप जाएंगे, उन बेचारों को ये नहीं मालूम है कि महानगर पालिका में कहाँ जाए, किससे शिकायत करें, तो जैसे तैसे वो अपना जीवन काट रहे हैं। तो एक वो समस्या है, वो भी हमने लिखा है।
और जब मैंने बोला कि हम लोग एक लड़ाई शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमने रिक्वेस्ट दिया है और इसके आगे हम इस पे अपना RTI का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे इन्होंने इस पे कितना काम किया है और क्या काम किया है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं अखिल जी, आपसे शेयर करना चाहेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की उपाध्यक्ष महिला संगठन की रश्मि कुमारी है, हमारे साथ अजीत पाल जी हैं आम आदमी पार्टी के समर्थक, हमारे साथ अपने सुमित्रा नंदन जी हैं आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, हमारे साथ दिलीप भाई हैं। तो हम लोग शेयर करेंगे अपनी बात, अखिल जी की बात सुनिए। मैं अखिल जन बोल रहा हूँ। मैटर क्या है कि आप जो मंथली बिल देते हैं, देना चाहिए आपको, ईयरली आप जो बिल दे रहे हो एक्चुअली मंथली बिलिंग होना चाहिए। जो आपका मैनेजमेंट, आपका वाटर मैनेजमेंट जीरो है, आपको वाटर मैनेजमेंट डेवलप करने के लिए आपको मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको हेल्प लेना चाहिए कि कितना पानी, कितना लाइन डालना चाहिए वन टाइम में। नेक्स्ट 10 ईयर्स का आप प्लानिंग करना चाहिए, जो आपके पास नहीं है। आप जब देखो एक साल दो साल के बाद फिर इकट्ठे करते हो, वापस से होता है खर्चा उतना ही होना है। वन टाइम आप सिस्टम के हिसाब से बचते हैं, कैसे डेवलपमेंट हो सब आपका परमिशन से होता है। तो शहर का डेवलपमेंट जो आपका है वो आपकी परमिशन से होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे परमिशन देना है, क्या करना है, कितना कितना लोग रेजिडेंट आ रहे हैं, कितने बिल्डिंगों को परमिशन दे रहे हैं। तो आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप उसको डेवलप कीजिए, और डेवलप करने के बाद आपको नई कैपेबिलिटी है तो आप ट्रेनिंग पे भेजिए, दूसरी कंट्री में भेजिए, इंडिया में भेजिए, आपके जो एम्प्लॉई उनको, इंजीनियरों को भेजिए, जिससे पब्लिक को फायदा हो और ये बार बार जो रिपीटेशन है वो ना हो और पब्लिक की जो तकलीफें हैं वो सॉल्व हो। तो इसके लिए ये मुद्दे हम लेके कुछ आए हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। जरा बोलिए। जो पानी की समस्या है बसी बिराय नायगांव में, वो बहुत ही बिरल समस्या है और ये समस्या कृत्रिम समस्या है। ये समस्या जानबूझकर प्रशासन की तरफ से खड़ी की गई है, क्योंकि यहाँ पानी का खुल्लम खुल्ला व्यापार चल रहा है। टैंकर वाले लोग एक बिजनेस बनाए हैं पानी को। हमारी बॉडी तीन चीज की जरूरत होती है, हवा, पानी और भोजन की। VVMC हमें हवा नहीं दे सकता, भोजन नहीं दे सकता, एक पानी दे सकता, वो पानी भी नहीं दे पा रहा है। पानी का खुल्लम खुल्ला व्यापार हो रहा है। लोग टैंकर वाले बोलते हैं हम बावड़ी से पानी लाते हैं, इतना बावड़ी कहाँ से, मैं पानी कहाँ से आता है कि पूरा बस्ती बिरार को सप्लाई दे रहे हैं। VVMC हमें पानी दे पाती, सन सिटी के सेवरल सोसाइटी है वहाँ पे पानी का सप्लाई नहीं है। कुछ बिल्डिंग है जो बाद में बना उसमें पानी मिल गया और जो पहले से बना उसमें पानी नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ बिना बस्ती फेज 2 का, ब्लू माउंट का और बहुत सारे बिल्डिंग जिसमें टैंकर के पानी जाते हैं और लाखों रुपया का मंथली बजट है। एक सोसाइटी से 5 लाख रुपए का पानी टैंकर से द्वारा लिया जा रहा है। तो VVMC क्या कर रही है, क्यों नहीं पानी दे पा रही है? वहाँ के रहने वाले जो किरायेदार है या जो मकान मालिक ने फ्लैट लिया, उनकी क्या गलती है? VVMC उन्हें पानी क्यों नहीं दे पा रही है, एक क्वेश्चन मार्क है, इसका जवाब कौन देगा? दूसरा एक क्वेश्चन है हमारा गोवा में तो बीजेपी की सरकार है। गोवा में प्रमोद सावंत जी ने 16,000 लीटर पानी फ्री दिया है, यहाँ भी तो बीजेपी सरकार है, तो महाराष्ट्र में हमें क्यों नहीं मिल 16,000 लीटर पानी? हर फैमिली को 16,000 लीटर पानी दे बीजेपी गवर्नमेंट। आप लोगों ने कनेक्शन तो दे दिया है लेकिन उसमें पानी नहीं है। आप लोगों की जो 60 गाट टैंकर माफियाओं के साथ में है वो आज उजागर हो रही है, और इसके निमित्त हम लोग मुख्य कार्यालय वहाँ पे शिकायत दर्ज कराने आए हैं। वसई विरार के बहुत सारे इलाके में पानी की कमी है, पर स्पेशली लिंक रोड में मैंने जहाँ देखा है वहाँ पानी मंडे को बिल्कुल नहीं आता है, टैंकर को मंगवाना पड़ता है और टैंकर अपने मनमाने चार्जेस वसूल करते हैं, जिससे सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे का लोड आ जाता है। इनफैक्ट मैंने खुद अपनी सोसाइटी में देखा है, एक साल का 80,000 सिर्फ और सिर्फ टैंकर वाले लेकर जाते हैं। मीन्स कि वो सारे जो पैसे वो हर एक फ्लैट के ऊपर उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारा मेंटेनेंस। और वसई में जो डी मार्ट एरिया है वहाँ आप देखोगे तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और 14-14 माले की बिल्डिंग्स है, पर वहाँ अभी तक फ्लैट 2-3 साल पुराने हो गए हैं, कोई 5-5 साल पुराने हैं, पर अभी तक वहाँ पानी नहीं आई है। एवरी डे वहाँ 4-5 टैंकर हर एक फ्लैट बिल्डिंग्स में आती है, क्योंकि वहाँ फ्लैट्स की संख्या ज़्यादा है। एक एक सोसाइटी में आप देखोगे तो 70-80 से भी ज़्यादा फ्लैट्स हैं या 5-6 विंग के फ्लैट हैं, तो जिसके कारण टैंकर बहुत ज़्यादा मंगाना पड़ता है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है पानी की और टैंकर मंगवाना पड़ रहा है, तो मैं म्युनिसिपैलिटी वाले से यही बोलूँगी कि आप टैंकर का भी बिल खुद ही पे करो। वेरी गुड। हर पब्लिक के ऊपर उसका बिल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसे दे रही है पैसे पानी के लिए, तो एक्स्ट्रा उनके ऊपर कोई खर्च नहीं पड़ना।
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।